असली हकदार। एक गांव में सुधाकर नाम का एक आदमी रहता था। अनायास ही एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटे, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। सभी उसे शमशान की ओर लेकर चल पड़े। वो लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि रास्ते में पास के गांव का एक आदमी मिला। उसने उस अर्थी को ले जा रहे चार आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि सुधाकर जी ने मुझसे 20 लाख रुपये उधार लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते मैं इस अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। उनके बेटों ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कभी इस कर्जे के बारे में हमसे कोई भी जिक्र नहीं किया, इसलिए हम तो ये कर्जा नहीं देंगे। जिन बेटों ने मना कर दिया तो सुधाकर जी के भाइयों ने भी यही कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी कर्जे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। शमशान यात्रा में शामिल कोई भी आदमी पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह आदमी अर्थी को आगे भी नहीं जाने दे रहा था। तब तक इस घटना की खबर घर की महिलाओं तक भी पहुंच गई। घर पर उनकी एक बेटी भी थी। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपने सारे जेवर और कीमती वस्तुएं लेकर वहां पहुंच गई और उस आदमी को सारी चीजें देते हुए कहा, इन चीजों को बेचकर पैसे ले लीजिए, अगर कम पड़ेंगे तो मैं बाद में धीरे धीरे और भी लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा को मत रोकिए। इस घटना को देखकर सारे गांव वाले दंग थे। तभी वह आदमी जो कर्जे की मांग कर रहा था वह बोला कि दरअसल मुझे 20 लाख रुपए लेने नहीं थे बल्कि मैंने ही कभी सुधाकर जी से 20 लाख रुपए लिए थे। मैं आज लौटाने आया था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वे रुपये किसको देने चाहिए, इनका असली हकदार कौन है, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। किंतु अब मैं ये जान चुका हूँ कि इन रुपयों का सच्चा हकदार ना उनके बेटे हैं और ना ही उनके भाई हैं, बल्कि असली हकदार उनकी बेटी है। इसलिए ये सारे पैसे मैं उनके हवाले करके अपने कर्जे से मुक्त होना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी उससे बेटों के, भाइयों के और सभी रिश्तेदारों के से शर्म से झुक गए। इसलिए हमेशा दुआ करना कि हर किसी के घर में एक बेटी जरूर हो, क्योंकि बाकी सब तो माता पिता की दौलत को अपना समझते हैं लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपनी दौलत समझती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।